हाउ। मैंने आपको कल बताया था कि हम कल बाबा कमलाइया जी के मंदिर गए थे, फिर वहाँ से रात को हम अपने पुराने घर में आ गए थे जहाँ मेरे दादा के कजिन्स रहते हैं। फिर हम वहाँ से अब अपनी माता के मंदिर जा रहे हैं, हम बहुत सालों बाद माता के मंदिर जा रहे हैं। मैंने रात को अचार खा लिया था और मेरा गला भी बैठ चुका है, मेरे को दर्द हो रही है, तो शायद मैं आज बात नहीं कर पाऊँ। फिर आपको कंचन माता के दर्शन करवा दूंगी जब हम ऊपर पहुंचे। आप देख सकते हो मेरी हालत बीमार हो चुकी है, मेरा फेस उतर चुका है यार। हमें वहाँ हाइक पे भी जाना है, आप हमारे पीछे पहाड़ देख रहे हो, कंचन माता का मंदिर है। हेलो बल्लू, बाकी सारे लोग आगे जा चुके हैं और हम पीछे रह गए। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि ऊपर कहाँ जाना है। हमने कहाँ से गए बोलो, ऊपर हो यहाँ से क्या आगे से? बहुत सालों बाद आया तो याद भी नहीं है। अब रिश्ता में रहते तो रिश्ता की याद होगी। ये फाइनली हम अपनी गैंग के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अम्मा चलिए, ये है, क्या नाम है आपका? उल्लास। ये मेरी मम्मी है और ये शबनम, इनके फ्रेंड। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं माता के मंदिर के लिए। ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर, वहाँ से हम अभी कंचन माता के मंदिर के लिए पैदल जाएंगे। ऊपर को चढ़ाई है और इस गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। वैसे तो सुबह के आई थिंक 7 बजे है, फिर आती बार हमें गर्मी हो जाएगी। 7:29 हो रखे हैं। हेलो माँ, तू बड़ा दौड़ा थी ना, आज जुकाम हुआ मेरे को, मेरे का चार खाली है ना। चलो चलो आप जाओ आप। और आप कितने सालों बाद जा रहे हो अम्मा मंदिर? यह साल पता नहीं। कितना टाइम लगता है मंदिर जाने के लिए? ये हमारा रास्ता है कंचन माता के मंदिर जाने के लिए। अगर आपको कभी कंचन माता के मंदिर आना हो तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक रास्ता मिलेगा, ऊपर गेट बना हुआ है, आप यहाँ से आ सकते हो। ये पीछे हमारे ग्रुप वाले मेंबर्स आ रहे हैं। कल जितना हम कमलाइया जी के मंदिर को गए थे पैदल, आज उसी डबल है। आज हमें बहुत चलना है, कल तो बहुत कम रास्ता था चलने के लिए, तो हमने आज कंचन माता के मंदिर से पैदल ही जाना है, क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता और नहीं है। ऊपर आप सिर्फ पैदल ही पहुंच सकते हो। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत हाइट पे है ना, तो वहाँ तक कार वगैरह कुछ नहीं जाती ना, रास्ता बना है। शायद मे बी आने वाले टाइम पे कुछ हो जाए, रास्ता बन जाए। एक तो आज मेरे से बात नहीं करी जा रही है ना, मेरा गला मेरे साथ नहीं है, तो फिर आपको मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करके देखती। फिर आज मैं तो मेरी बहन नापसा ब्लॉगिंग पे रहेगी। या मैं इसे चीज़ ब्लॉगिंग दूँगा आज, मेरे से ज़्यादा बात आपको शायद ही करते हो देखेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या इक्वल सिस्टर। हाँ, जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना बराबर। अभी हमने ऊपर हाइट पे जाना है। शामें हैं काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। ये आप देख सकते हो, पुराने जमाने में लोग पानी यहाँ से पीते थे, इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता था। हमारे साथी कितने पीछे है, फिर हम कितना कितने आगे, बहुत नीचे है अभी, हम इनसे आगे आ चुके हैं। देख सकते हो बाबा कमलाई जी का मंदिर है जहाँ हम कल गए थे, और इस पहाड़ पे कमलाई जी का मंदिर है, और इसके सामने वाले पहाड़ पे हमारी कुलजा कंचन माता जी का मंदिर है। लंबे लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी,
इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी, बीते लम्हों को बुला के। और अभी हम कंचन माता जी के मंदिर पहुंच गए हैं। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के। हम 7 बजे चले थे और अभी टाइम हो रहा है 9। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर मौसम है आज, बिल्कुल भी धूप नहीं। और मेरे पीछे है हमारी कंचना माता का मंदिर। Thank you.